नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे सड़क मार्ग में एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे जा घुसा, जिससे ट्रक में सवार महिला व चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पाली अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं ट्रक चालक का उपचार अभी भी जारी है। डॉक्टर एस एम सराफ ने बताया कि घायल महिला की हालत खराब होने से उसे रेफर कर दिया गया है, लेकिन समय में 108 वाहन नहीं पहुंची। बहरहाल पुलिस ने मामले में आरोपी चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। महिला के ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ है और गंभीर हालत होने के चलते उसको हमने प्राथमिक उपचार किया और 108 से उसको रेफर कर दिया, लेकिन गाड़ी ना आने की वजह से, 2 घंटा लेट होने की वजह से 1:50 में महिला की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना हमारे द्वारा थाना पाली में दे दी गई है। आज एक ट्रक चालक है जिसका नाम अवरजीत है, ये अपना ट्रक लेके आ रहा था उमरिया तरफ से, तो यहाँ जोहिला पुल के पास एक औरत को ये बैठाया था, रूपमती कोल, ये तो ट्रक यहाँ पे आके बहक गया है और बहक के पास ऑटो भी चला गया, जिसके कारण उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ट्रक थोड़ा तेजी में लापरवाही चला रहा था, तो महिला को उसके बाद उपचार के लिए अस्पताल लाया गया था, जहाँ उपचार के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है और इस ट्रक चालक के आगे पैदानी कार्रवाई की जा रही है। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।